सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और दोस्तों, आज मैं अपनी बुलेट को लेकर जा रहा हूँ सतना, क्योंकि यार जो मैंने रीबा में काम करवाया था बिल्कुल भी सही नहीं था, और आयल सील वगैरह भी रीबा में शायद अवेलेबल नहीं थी, तो अभी मैं लेके जा रहा हूँ सतना। और चलिए देखते हैं क्या कैसा काम होता है इसका। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कितना तेज़ी के साथ गाड़ी आयल छोड़ रही है, इधर देखिए यहाँ पर, और दो तीन बूंद नीचे भी गिर गई है। यहाँ पर थोड़ा हम लोग रेस्ट लेने के लिए रुक गए थे, क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही थी। तो और यार, बुलेट अपनी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही है। तो गाइस, फाइनली सतना पहुँच चुके हैं 2 घंटे की मेहनत के बाद। रुको 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 गाइस, अब दोस्तों यहाँ से शुरू होती है असली कहानी मेरे बुलेट की। दोस्तों, मैं सतना तो पहुंच चुका था, वहां पे मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो वहां पे नहीं बना पाया। पर दोस्तों, जैसे ही मैं सतना पहुंचा और मैंने मैकेनिक से बात की कि मेरे बुलेट में कितना खर्चा आएगा, मतलब इसके जो आयल सील वगैरह वो चेंज कर दीजिए, तो इसकी आयल जो बह रही है वो बंद हो जाए, और थोड़ा टैपिट वगैरह सेट कर दीजिए तो टैपिट की आवाज़ ख़त्म हो जाए। दोस्तों, यहाँ से सामने आई असली सच्चाई मेरे बुलेट की। दोस्तों, मिस्त्री ने बताया कि आपकी बुलेट पिछले 4-5 साल पहले भी एक बार मेरे पास आके खुल चुकी है, इसके पूरे पल्ले ख़राब हैं, अंदर से पल्ले जो हैं तो मतलब बिल्डिंग करके जोड़ा गया है, और इसके क्रैंक भी ख़राब है। ओहो, पूरा मेरा दिमाग ख़राब हो गया, और दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया। फिर मैंने पूछा कि अच्छा ठीक है, इसको बनवाते हैं, इसमें कितना पैसा लगेगा एक्चुअल में। तो वहाँ के जो मिस्त्री साहब थे, उन्होंने बताया कि इसमें अप्रॉक्स 30,000 से 40,000 रुपये खर्चा आएगा। दोस्तों, मेरा दिल निकल के बाहर आ गया, हम बोले अब तो गए। फिर मैंने अपने पापा को बताया वहीं से फ़ोन लगा के कि पापा इसका क्या करना है। चाचा से मैंने पूछा, मतलब एडवाइस देना घर वालों की ज़रूरी होती है, तो चाचा बोले कि अभी घर आ जाओ, घर आके अच्छे से प्रॉपर प्लान करते हैं किसको कहाँ पे बनवाना है, क्या कैसे करना है, फिर उसके बाद इसको बनवाएंगे। फाइनली मेरा प्लान बन चुका था कि यार बुलेट को सही करवाना है। मैंने अपने घर में सबसे कंसल्ट कर ली, जो मेरे मिस्त्री भाई साहब हैं जो मेरे डीजल बुलेट को ठीक करते थे, उनसे मैंने पूछा कि क्या इसमें सच में इतने पैसे लगेंगे। मिस्त्री भाई साहब ने बताया कि हर मिस्त्री अलग अलग प्राइस बता रहा था, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 15,000। फिर दोस्तों मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं अच्छे तरीके से एक तरफ से पूरी की पूरी नई गाड़ी बनवाऊँगा, पूरा नया इंजन डलवाऊँगा इसमें, जितना हो सके मुझसे मैं इसमें पूरा नया काम करवाऊँगा, जिससे मुझको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों यार, शौक है ना, शौक के पीछे पैसे को नहीं देखना चाहिए जहाँ तक है। तो फाइनली अपनी बुलेट को लेकर चला गया सतना, यहाँ से अप्रॉक्स 85 to 90 किलोमीटर्स है। फिर दोस्तों मेरी बुलेट वहाँ पे खुलना स्टार्ट हो गई, और दोस्तों मैंने प्रॉपरली वीडियो नहीं शूट कर पाया, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और ध्यान इधर उधर भटक जाता था, मतलब इधर उधर लोग आते जाते थे, हल्ला भी काफ़ी हो रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पर वीडियो अच्छे से प्रॉपरली शूट नहीं की। पर दोस्तों, जितनी मैंने वीडियो क्लिप शूट की है मैं वहाँ पर लगा देता हूँ, आप सब सारी क्लिप देखो। तो यार, अब यहाँ से मेरी गाड़ी ओपन होना शुरू हो चुकी थी, और जैसे जैसे मेरी गाड़ी ओपन हो रही थी ना यार, तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि मैंने ऐसे इस हालत में अपनी गाड़ी को कभी देखा नहीं था और ना ही कभी देखना चाहता था। पर दोस्तों, मैकेनिक की आंखों में देखते हुए मैंने ये सोचा कि ठीक है, चलो सब अच्छा ही होगा। तो ये सारे पार्ट्स ओपन हो चुके थे, इसके बेचारे के बहुत सारा खून भी निकल चुका था। और दोस्तों, ये रहे अपने ब्रांड न्यू पल्ले, जो कि आर्मी डिस्पोजल गाड़ी से मैंने निकलवाया हुआ था, और ये रही सारी की सारी ऑयल सील्स। और दोस्तों, पल्ले में मैंने अच्छे तरीके से पॉलिश भी करवा दी थी। और दोस्तों, चलिए आप सबको मैं दिखाता हूँ अपनी बुलेट की हालत को, जो कि 2-3 दिनों से धूल में खड़ी हुई थी, क्योंकि दोस्तों पल्लों को आने में कम से कम 3-4 दिन का समय लगा। अब दोस्तों, यहाँ पर अपने पल्ले अच्छी तरह से वॉश होंगे, क्योंकि इसमें अब इंजन की फिटिंग होगी। तो काफ़ी ज़्यादा बारीकी से मेरे मैकेनिक ने काम किया, काफ़ी ज़्यादा मन लगा करके उसने इस पल्लों को साफ़ किया। और दोस्तों, कुछ सामान जो नहीं यहाँ मिल रहा था तो बाहर से आया, जैसे कि ये क्लच पल्ला, इसको मैंने बाहर से मंगवाया, और ये जबलपुर से कुछ सामान आए। और दोस्तों, ये रहे सारे सामान एक साथ। अब दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है अपने इंजन की फिटिंग। और दोस्तों, आप सब देख सकते हैं वहाँ पर जो क्रैंक लगी है वो भी G2 मॉडल की हैवी वाली क्रैंक लगी हुई थी, और यहाँ पर इंजन जो है बाइक में धीरे धीरे करके सेट होना शुरू हो चुका था।
और मेरे मैकेनिक भाई साहब अच्छी तरह से इंजन को फिट कर रहे थे। तो यहाँ पर मेरे बाइक की हेड की फिटिंग हो रही थी। मैंने पूछा कि हेड कैसा है, तो मैकेनिक भाई साहब ने बताया कि हेड काफ़ी ज़्यादा सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब दोस्तों शुरू होती है मेरे कार्बोरेटर की क्लीनिंग, जो कि अच्छे तरीके से हो गई। यहाँ पर किक फिट हो रही है और अब यहाँ पर दोस्तों ऑयल फिल्टर लग रहा है, जो कि इसमें पहले से ही ऑयल लगा के उसको फिट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पिनियन रॉकर अच्छे से फिट हो रहे हैं और मैकेनिक भाई साहब अच्छे तरीके से बारीकी से काम कर रहे थे, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं कर रहे थे। एक एक काम को बहुत अच्छे से उन्होंने किया, मुझको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया उनका काम मुझे। और अब यहाँ पर दोस्तों ऑयल डल रही है। तो दोस्तों अपने गाड़ी का इंजन जो है तो एकदम चढ़ चुका है, अब इसकी स्टार्टिंग होगी। ये इसकी फर्स्ट स्टार्टिंग होगी। और अरे यहाँ पर मैकेनिक भाई साहब मेरी बुलेट की फर्स्ट टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, वो अच्छे से चलाकर इसको देखेंगे और फिर उन्होंने मेरी बुलेट को हाथ से भी स्टार्ट करके दिखाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार था। और अब मैं निकलता हूँ अपने घर की तरफ। तो यार दोस्तों आप सबको वीडियो क्लिप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होंगी, उम्मीद करता हूँ मैं। अब दोस्तों फाइनली बारी आती है अपनी बुलेट को रिवील करने की। दोस्तों मैंने इसमें सारा काम एकदम जेन्युइन और ओरिजिनल तरीके से करवाया है। आगे आप वीडियो में बने रहो, सारी चीज़ बताता हूँ। दोस्तों मैंने इसके दोनों पल्ले चेंज करा दिए, ये वाला पल्ला यहाँ से टूटा था पहले और इधर से भी मैंने, मतलब ये दोनों पल्ले मैंने चेंज करा दिए। और दोस्तों आप सबको बताना है कमेंट में कि कौन सी गाड़ी का पल्ला यहाँ पर लगा हुआ है, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। दोस्तों मैंने क्लच पल्ला भी चेंज करा दिया, क्योंकि यार देखने में अच्छा नहीं लग रहा था वो। और दोस्तों इसका हेड जो है पुराना ही है और इसकी सिलेंडर भी, ये जो सिलेंडर वाला पार्ट है ये भी पुराना ही है। इन दोनों में मैंने पेंट करा दिया, क्योंकि इन दोनों में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। और दोस्तों इसमें मैंने कुछ छोटे मोटे भी काम करवाए हैं, जैसे कि पेट्रोल टी मैंने इसमें डलवा दी है लॉक वाली, क्योंकि दोस्तों पुरानी वाली में ऐसा था कि कोई भी इससे इसका पेट्रोल निकाल सकता था, तो मैंने उसको भी लगवा दिया। और दोस्तों इसमें मैंने हैंडल लॉक भी लगवा दिया। वैसे दोस्तों हैंडल लॉक चोर लोगों के लिए नहीं होता है, अच्छे लोगों के लिए होता है, क्योंकि जो जिसको चोरी करनी होगी तो हैंडल लॉक तोड़ के भी चोरी कर लेगा, है ना। तो और आप सबने नोटिस किया होगा कि पहले रबड़ लगी थी पीछे, आवाज़ काफ़ी तेज़ थी, पर दोस्तों मैंने रबड़ निकाल दी, मुझको रबड़ अच्छी नहीं लगती है। और मिस्त्री ने भी बताया कि अगर आप पीछे अगर अपनी गाड़ी में अगर आप रबड़ लगाते हैं तो इससे इंजन लीक होने की संभावना रहती है। वो ऐसे लीक होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जब भी दोस्तों इधर से गैस बाहर निकलती है और रबड़ में टकराती है तो पूरी गैस नहीं निकल पाती, हल्की गैस बैक भी होती है, और हल्की गैस बैक होने के कारण जो इसकी ऑयल सील वगैरह होती हैं कुछ दिनों बाद उससे हल्की हल्की ऑयल लीक होने लगती है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों ने ज़्यादातर बुलेट में देखा होगा कि ऑयल लीक होती है। और दोस्तों आप सब मेरी बात मानो तो रबड़ मत लगवाओ, मेरा ओपिनियन यही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ चाहिए तो अलग बात है, पर दोस्तों अगर आपको अपने इंजन की केयर करनी है ना तो आप बुलेट मतलब रबड़ मत लगवाओ। और यार आप सब ने नोटिस किया होगा कि इसका यार लेग गार्ड आधा कहाँ चला गया। दोस्तों इसमें लेग गार्ड वो बेस बॉल वाला लगा होता है, इससे मतलब बेस बॉल निकलती है। और मैं अपने दोस्त से मिलने गया था, अब बुलेट मैंने उसके घर के नीचे खड़ी कर दी थी, पता नहीं नीचे से कोई निकाल लेके चला गया, और दोस्तों अगर मेरे सामने फंस जाता तो पता नहीं क्या होता। तो दोस्तों यार अब मैं अपनी बुलेट का आप सबको साउंड सुना देता हूँ, कैसा साउंड है, पहले कैसा था और अब कैसा है, दोनों वीडियो में लगा दूंगा, आप सब देख लेना पहले कैसा साउंड आता था और अब कैसा साउंड आता है इंजन का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और आप सबको इसका साउंड सुनाते हैं। तो थोड़ा एक्सीलेट करके दिखाता हूं। सो दोस्तों आप सब इसकी साउंड सुनिए कितनी ज़्यादा प्यारी है और कितनी ज़्यादा लो हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा शांत हो गया इसका इंजन। और दोस्तों मिस्त्री ने ये भी बताया था कि इसका इंजन और भी ज़्यादा साइलेंट होगा, आप इसको 2000 किलोमीटर चला लीजिए, फिर आप जब सर्विस में लेके आएंगे तो इसको मैं और बढ़िया साउंड बना दूंगा। और दोस्तों इसका मैं थंप सुनाता हूँ आपको। मैंने इसमें
काफ़ी बड़ा चेंज भी करवाया है। इसमें दोस्तों हल्की वाली क्रैंक लगी थी तो मैंने इसमें हैवी वाली क्रैंक लगवाया है जो कि G2 मॉडल में आती थी। और पल्ले को तो आपको बताना है कि कौन सा पल्ला लगा हुआ है और कौन से सन का पल्ला लगा हुआ है, ये तो आपको बताना ही है। पर दोस्तों इसकी मैंने क्रैंक चेंज करवाई, जब तक इसमें मैंने हैवी वाली क्रैंक डलवा दी है जिससे इसका साउंड और भी ज़्यादा हैवी हो गया है। और मिस्त्री ने बताया था कि इसको मैं सर्विस करने के बाद और भी अच्छा इसका साउंड सेट करूँगा, क्योंकि दोस्तों अभी नया नया इसका इंजन बंधा हुआ है इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब चेंजेस की ज़रूरत है। अभी सेटिंग होगी इसकी, पॉइंट की भी सेटिंग होगी जो कि मैं आगे आने वाली वीडियो में आप सबको बताऊँगा। तो यार दोस्तों अब हम अपने काले घोड़े के खर्चे के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें कितना खर्चा आया। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 30 से 40 हज़ार रुपये खर्चा आएगा, उतना ही इसमें खर्चा आया है। तो यार आप सबने नोटिस किया होगा कि यार मेरे माइक में क्या लगा हुआ है। दोस्तों जो इसमें कंपनी फिटेड जो स्पंज आती है वो गुम गई थी, तो मैंने इसमें जुगाड़ से ये वाला स्पंज लगा दिया है अपने सोफे से निकाल के, है ना। और दोस्तों अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में आप सब लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। और दोस्तों आप कमेंट में बताओ ना कि आपको किस तरह की वीडियो देखनी है और क्या क्या इसके बारे में जानना है। राइडिंग के वीडियो चाहे तो मैं आपको राइड करके भी दिखाऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे अगले वीडियो में।